सो गाइज फाइनली G310RR लॉन्च हो चुकी है और ये रही G310RR। बट अब आप में से काफी सारे लोग कमेंट करेंगे कि जुन्नू भाई ये तो BMW की बाइक नहीं है। जी हाँ, ये BMW की बाइक नहीं है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है TVS रेसिंग, तो ये TVS की बाइक है। तो आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ इस वाली बाइक का एंड आपको बताने वाला हूँ कि जो G310RR लॉन्च हुई है उसमें और इसमें क्या फर्क है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो आप ब्लैक वाली ब्रांडिंग देख रहे हो ये सेम वैसे ही रखी गई है। ये रेड एंड ब्लू ये सब मैंने मॉडिफाई करा रखी है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, आपको 40 से 50,000 रुपये जो एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओ भाई क्या फ्लाई बाय देख गया बंदा। तो अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले एग्जॉस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें मैंने SCA प्रोजेक्ट लगवाया हुआ है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लाउड मेरे को चाहिए थी। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ एक बार। ये इतना ज्यादा लाउड है ना भाई, पास में को निकल गया ना बस बंदा देखता ही रह जाएगा। अगर मैं पीछे से बात करूं इसकी टेल टाइडी की, देखो भाई पीछे से देखने में कुछ ऐसी लग रही है। तो BMW ने चेंज क्या करा है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं। BMW ने ये चेंज करा है, जो इंजन है वहां पे आपको BMW लिखा हुआ मिलेगा, जहां पे RR लिखा हुआ है यहां पे आपको BMW लिखा हुआ मिलेगा। जब इसको ऑन करेंगे तो वहां पे TVS रेसिंग नहीं आएगा एंड यहाँ पे आपको नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ब्लैक मिलेगा। समझ गए ना, ये तो मैंने मॉडिफाई करा रखी है, सब रैप है देख रहे हो, ये मैंने सर मॉडिफाई करा रखी है बहुत अच्छे तरीके से। अगर अलॉय व्हील की बात करें तो अलॉय व्हील मैंने इसके रेड करा रखे हैं। BMW की बाइक आपको ब्लैक अलॉय दे रही है एंड आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे दो, एक ब्लैक और एक आपको मिलेगा सेम इसी तरह का। अगर इसके मोड्स की बात करें तो मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, BMW पे यार एक तरीके से मतलब क्या चेंज करा है भाई। आपको इसमें ना चार मोड मिलते हैं। सबसे पहला मोड यहाँ पे देखो, सेट पर क्लिक करेंगे भाई हैंडल आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, सेम ये मैंने बाहर से लगवा रखा है आफ्टर मार्केट। आपको राइड मोड मिलेंगे, देखो इसमें अर्बन, रेन, स्पोर्ट, ट्रैक। तो आपको BMW की बाइक में सेम यही मोड मिलने वाले हैं, अर्बन, रेड, रेन, स्पोर्ट और ट्रैक। तो अगर बात करें इसकी, देखो सेम जैसे अगर आप डीपर दोगे यहां से इस तरीके से तो यहाँ पे इसी तरीके से शो होगा। लेफ्ट वाला इंटीग्रेटर दोगे तो यहाँ पे इस तरीके से होगा भाई, सेम यहाँ पे फ्यूल वाला शो होगा। अब अगर इसकी इग्निशन की बात करें तो भाई आपको सेम मिलेगा, ऑन करोगे एंड यहाँ पे किल स्विच भी आपको इसमें ही मिलेगा। देखो ये किल स्विच और यहाँ से एक बार में आप स्टार्ट कर सकते हो इजीली। तो मतलब BMW ने भाई क्या चेंज करा है, 40 से 50,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बाकी अभी मैं कन्फर्म नहीं बता सकता आपको कितने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो अगर BMW की बाइक आप लेने की सोच रहे हो, आपको सिर्फ एक बहुत बड़ा चेंज मिलेगा जो कि है क्विक शिफ्टर, जो कि BMW ने क्विक शिफ्टर दिया है अपनी बाइक में, जो BMW ने लॉन्च करी है। तो क्विक शिफ्टर इसमें नहीं मिलता, इसमें आपको 6 गियर मिलते हैं बट इसमें आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलेगा। और जो BMW ने बाइक लॉन्च करी है उसमें आपको क्विक शिफ्टर मिलेगा, सही है ना। तो ये काफी कमाल की चीज कर दी सीरियसली, मतलब जो चीज मैं इसमें मिस करता हूँ ना TVS की बाइक में, क्विक शिफ्टर नहीं है इसमें, तो वही इसमें नहीं मिलता। तो अब BMW ने क्विक शिफ्टर ला दिया। तो सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि BMW की जो बाइक लॉन्च हो रही है इसमें क्विक शिफ्टर मिला। सिर्फ एक चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा भाई, एग्जॉस्ट वही बेकार से मिलेगा जो TVS की बाइक में आता है, सेम BMW की बाइक में मिलेगा आपको वही बेकार सा एग्जॉस्ट। इतना बड़ा भाई साउंड भी मुझे तो उसके सही नहीं लगते थे, इसलिए मैंने ऐसी प्रोजेक्ट लगवा लिया। देखो अगर बैक की बात करें ना तो भाई बैक से तो देखने में इतनी खतरनाक लगती है ना, क्या बताऊं। मैंने इसके अभी नंबर प्लेट उतार रखी है, ठीक है ना, मेरी नंबर प्लेट टूट गई थी तो इसलिए मैंने इसको उतार रखी है अभी। तो पीछे से देखने में एकदम खतरनाक लगती है, अगर इसका टायर अगर उतार देंगे तो और ज्यादा खतरनाक लगेगी। बाकी अलॉय व्हील मेरे को पता नहीं था कि BMW ब्लैक ही रखेगा तो मैंने इसको रेड कराए थे। तो अभी मैं इस बाइक को चलाने वाला हूँ, चलते चलते आपको राइड रिव्यू देने वाला हूँ। एक तो इतनी ज्यादा लाउड है ना, आई डोंट नो आपको सही से आवाज आ पाएगी या नहीं, बाकी मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बता दूंगा चलते चलते, जो आपको BMW की बाइक में मिलता है सेम भाई डिट्टो आपको सेम मिलने वाला है स्पीडोमीटर, इसी तरीके का स्पीडोमीटर मिलेगा आपको। और अब इसको लेके चलते हैं दोनों हाथों से पकड़। तो अभी मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड पे लगा रखी है, स्पोर्ट्स मोड पे मतलब चलते चलते भी हम इसका मोड चेंज कर सकते हैं। काफी सारी बाइक्स में आता है ना कि मोड चेंज नहीं कर सकते चलते चलते, बट हम इसमें कर सकते हैं। अभी मैंने थ्रोटल छोड़ दिया, थ्रोटल आपको छोड़ देना है बिल्कुल, उसके बाद आपको सेट पर क्लिक करना है, उसके बाद राइड मोड में जाकर अगर आपको सिलेक्ट करके लगाना है तो आप इजीली लगा सकते हो। और अगर आपको सिंपल तरीके से लगाना है बस आपको ऊपर वाला बटन प्रेस करना है, ये वाला एक बार प्रेस कर देना, ये ट्रैक मोड पे लग गया। अगर आप थ्रोटल दे के रखोगे, आप मतलब क्लच दबा के रख लो एंड थ्रोटल छोड़ दो तो भी आप चेंज कर सकते हो, बस आपको थ्रोटल छोड़ना है उसके बाद आप इजीली मोड चेंज कर सकते हो। अभी ये ट्रैक मोड पे लग चुकी है, इसमें ये 170 जाती है, मैंने इसको 170 भगा रखी है। अभी मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ। देखो मोड चेंज करने का सिंपल सा प्रोसेस है, बस ऊपर वाला बटन प्रेस कर रहे हैं इधर देखो, तो मैंने ये वाला बटन प्रेस
प्लेस कर दिया और ये लग चुकी है अर्बन मोड पे। अब ये 130 या 32 से ज़्यादा नहीं भागेगी, 130 मतलब 132 लास्ट रहेगी। और अगर मैं इसका रेन मोड लगा दूंगा तो इसमें ये 120-125 ईजिली चली जाती है, 130 तक नहीं जा पाती जितनी अर्बन मोड में जाती है। और अगर मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाऊंगा तो भाई 164 पूरी खींच के जान लगा देता हूं मैं सारी की सारी, मतलब सीधा सीधा रोड जब मिलते हैं 164 प्लस चली जाती है। बाकी ट्रैक मोड में मैंने आपको बताया दिया 170 जाती है। और सेम आपको BMW की बाइक में मिलने वाला है सेम। तो अगर BMW दिखानी है तो भाई BMW की बाइक लो, वरना आप इसको ले सकते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके पास ऑप्शन है, आपको कौन सी बाइक लेनी है, TVS की बाइक भी ले सकते हो, बट इसमें क्विक शिफ्टर आपको नहीं मिलेगा, जो कि मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, बिकॉज बाइक होती है 150 की स्पीड पे, पांचवी गियर में 150 प्लस चली जाती है, उसके बाद क्लच दबाओ फिर गियर लगाओ। क्विक शिफ्टर होता तो और ज़्यादा मज़ा आता सीरियसली, फिर तो भाई सुपर बाइक वाली फीलिंग आती पूरी की पूरी। टायर पीछे वाला सेम मिलेगा, आगे वाला सेम मिलेगा, जितना इसमें है उतना ही आप मतलब BMW की बाइक में मिलेगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये रेड कलर की बाइक है, अगर थोड़ा थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा रैप उतर रहा है, तो अंदर से रेड कलर की बाइक है। बस मैंने इसको अच्छे से रैप कराई है इसलिए ये इतनी ज़्यादा क्यूट सी लग रही है भाई, मतलब लोग देखते हैं भाई, खड़ी खड़ी को भी लोग देखते हैं। अगर आप इस साइड से देखोगे इस बाइक को सीरियसली भाई कातिल लगती है, मतलब बंदा देखता ही रहे, देखने का मन करता ही रहता है इस बाइक को अगर पीछे से इस तरीके से देखते हैं। बाकी अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप BMW की बाइक ले रहे हो या फिर TVS की, मतलब कमेंट करके जरूर बताना। बट अगर आप BMW की बाइक लेने की सोच रहे हो तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या, बस क्विक शिफ्टर का डिफरेंस है। तो अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि भाई आपको ये बाइक कैसी लगी जो मैंने मॉडिफाई करा रखी है। तो बस मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।